वार्ड संख्या 22 की पार्षद माननीय अनीता देवी और उनके पति राकेश यादव अपने वार्ड की जनता के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने सभी जनता के लिए दिन रात एक करके इस महामारी के दौरान उनके लिए खाना, पानी और उनकी सुरक्षा की जरूरी बातों को ध्यान में रखकर अपना पूरा योगदान दे रही हैं। चाहे लोगों के लिए कच्चे राशन का वितरण करना हो या फिर पके हुए खाने का वितरण करना हो, चाहे सैनिटाइजर का वितरण करना हो, अपने काम को अच्छी तरह से कर रही हैं। अनीता देवी के इस काम में उनके पति राकेश यादव भी उनका पूरा योगदान दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अपने वार्ड के सभी गली मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के साथ ही पिछले 15 दिनों से लगातार वार्ड के सारे इलाके जैसे कि चैनपुर, राजापुर, नेहरू नगर और पाटलिपुत्र जैसे कई जगहों के गली मोहल्ले में जो भी छोटे बड़े सभी तरह के नाले हैं उनकी सफाई बरसात आने से पहले ही करवा रही हैं, ताकि पिछली बार की तरह इस बार बाढ़ और जल जमाव के कारण लोगों को होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बरसात के दिनों में नालों में पानी जमा नहीं हो और इसके लिए जल जमाव की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए अभी से ही सारे छोटे बड़े नालों की सफाई जेसीबी मशीन और नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन की मदद से नाले की उड़ाही करवा रही हैं। रही बात नाले उड़ाही का और सैनिटाइजर का, तो विभागीय कार्य हो रहा है। इस बार नगर निगम पूरे जोर शोर से करीब करीब हम लोग के यहाँ 50 लेबर अभी काम कर रहे हैं। जेसीबी है, पॉकलेन है, बड़े नाले और छोटे नाले को इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जो पिछले साल जल जमा हुई है उसको देखते हुए इस बार नगर निगम और सभी पार्षदों ने अपनी कमर कस ली है और जनता हित में लोग दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे उड़ाही हो, कि लोगों को वो बारिश भी मानसून आने वाली है और मानसून आए तो लोगों को बचाया जाए। जो पिछला साल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, भगवान न करे कि फिर इस बार वैसा आपदा आए। उसके लिए पार्षद और पूरा नगर निगम की टीम, अधिकारी, कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस बार उड़ाही हो रही है और इतना अच्छा होगा कि बरसात में पानी न लगे। मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूँ, पिछले साल को देखते हुए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि फिर इस बार जो पिछला साल दुर्गति हुआ इस बार ना हो, और इसके लिए और ज़्यादा भी ज़रूरत है तो निगम अधिकारी और जिस तरह से सभी पार्षद 75 पार्षद लगे हुए हैं और अधिकारी लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा और इसमें जोर की ज़रूरत है। लगे कि समय रहते हम लोग मानसून से पहले इसको काम ख़त्म कर ले और काम चल भी रही है, इसमें कहीं दोरा नहीं है। अगर आप लोग कभी समय दीजिएंगे तो पार्षद मैडम, मैं भी साथ में अपने वार्ड को भ्रमण कराऊँगा और देखने का चीज़ है, इसमें कहीं दोरा नहीं है। और रही बात सैनिटाइजर की, वो भी युद्ध स्तर से चल रहा है, वार्ड बड़ा है मेरा, कम से कम हमको लगता है पटना में सबसे बड़ी वार्ड नंबर 22 ही है, जो राजा पुल से लेकर करके पॉलिटेक्निक मोड़ हल्दीराम तक पड़ती है, जिसकी आबादी करीब करीब 1.5 लाख है। अब समझ सकते हैं कि उसमें तो डेली अगर लोग कंप्लेन भी आती है, हम लोग कंप्लेन के हिसाब से काम हम लोग का रूटीन बना हुआ, 5 सेक्टर जोन में वार्ड बांटा हुआ, हर सेक्टर जोन में काम होता है, डेली 2-4 गलियाँ किया जाता, हर घर एक गली में कम से कम 100 घर हैं तो 500 घर का पर डे हर सेक्टर में किया जाता है। आबादी ज़्यादा है, घर भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है लोगों को, मगर हम लोग या पार्षद महोदय या हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। अभी लॉकडाउन में रहते हुए भी अपनी जान को बिना परवाह किए हुए भी हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे प्रतिनिधि, पार्षद मैडम और मैं भी साथ में, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, खुद का बिजनेस है और मैं भी कमर कस लिया हूँ कि इस आपदा में कोई भूखा न सोए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये कहना है कि आस पड़ोस या कोई भी हो, कोई भूखा न सोए, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आदेश का पालन कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।